मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। प्रकृति, आज आप हम लोग जो कर रहे हैं प्रकृति में, आप देख रहे हैं कि प्रकृति में हम रसायन जहर डाल के अपनी जो धरती माता है उसका अपन सीना छल्ली कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस तरीके से हम रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जमीन में कीट, कीड़े, जीवाणु, पौधे सब धीरे धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम जहरीले रसायन, यूरिया, डीएपी, खरपतवार सब नष्ट करते जा रहे हैं। 25 साल से हम रसायन डाल रहे हैं, हर तरीके का जहर दवाई डाल रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है? बल्कि हर कोई अब बोर कराने में सक्षम है, हर जगह लगभग नहर आ चुकी है, पानी का संसाधन बढ़ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, जंगल आज भी हजारों साल पुराने जंगल आज भी उन्नत है, शानदार है, लेकिन हमारी खेती खत्म जैसी होने लगी है। जिस तरीके से हम हैवी मशीनरी और हैवी जहर डाल रहे हैं, हमारी जमीन निर्जीव हो रही है, हमारा पानी, जमीन सख्त होने के कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा, तो हमारा वाटर लेवल भी कम हो रहा है। वाटर लेवल कम के अलावा हमारी जमीन में जो पानी अगर थोड़ा बहुत जा भी रहा है तो उसमें रसायन इतना मिक्स हो चुका है कि हमारा अंदर का पानी दूषित होते जा रहा है, जहरीला होता जा रहा है, और हमारा दिन पे दिन पानी को सोखने की क्षमता जमीन की कम होती जा रही है। देखिए, जैविक खेती जो जीवों द्वारा की जाए, ये हमारा शास्त्र कहता है, जंतु नाम जीव नाम करती अस्ति, इसका मतलब है जीव जंतु के माध्यम से ही खेती संभव है, और ये हमारे वृक्ष आयुर्वेद में लिखा है। जीव जीव भोजनीय अस्ति, मतलब जीव जीव का भोजन है। और एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि खाद पड़े तो खेत, वरना मिट्टी रेत। तो हमारी जो प्राकृतिक खाद है उसी के बाद मिट्टी बनेगी, नहीं तो सब रेत हो जाएगी। हमारी गौ माता गोबर में, 1 किलो गोबर में साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि 30 करोड़ जीवाणु होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींचते हैं। उनके जो नाइट्रोजन होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा लवण सोर्स होता है यूरिया का, तो उसके कारण कोई बीमारी भी नहीं लगती। तो हमारे यहाँ दूध से कीमती गोबर, गौमूत्र और फिर दूध है। देखिए, प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती का सबसे अच्छा पाता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है, जो हमारी जमीन की आत्मा है, वो शक्तिशाली होती जाती है, जिससे हमारी उर्वरकता क्षमता बढ़ती है। दूसरा, हमारी जमीन में असंख्य करोड़ों करोड़ों केचुए काम करने लगते हैं, जो हमारी जमीन में 15 फीट तक अरबों खरबों गड्ढे बना देते हैं, जिससे जो बरसात का पानी आता है वो जमीन के नीचे तक जाता है और हमारा वाटर लेवल बढ़ता है। और जिस तरीके से रसायन का प्रयोग लगभग कम खत्म हो जाता है, तो हमारी जो पानी जो जहरीला हो चुका है वो भी नहीं होता। तीसरा, हमारी जमीन एकदम भुरभुरी और उर्वरकता क्षमता में मजबूत हो जाती है, जिसमें करोड़ों जीवाणुओं द्वारा हवा से नाइट्रोजन खींच के प्राकृतिक तौर पे उसको दिया जाता है, और इसमें हमारी जो गौ माता है जो समाप्ति की ओर होती जा रही है उनको नया जीवन मिलता है। उसके अलावा हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, और दिन पे दिन हमारी जो लागत है सबसे मेन चीज़ वो खत्म हो, जिस घर में अगर 4 गाय है तो वो 10 एकड़ खेती बिना कोई लागत के बहुत कम उसमें खुद का बीज, खुद का गौ माता का पूरा गोबर गौमूत्र से बहुत अच्छी खेती कर सकता है और उन्नत खेती की तरफ बढ़ सकता है। तो आइए जुड़े इस नवीन यात्रा में अपनी प्रकृति से, आने वाली पीढ़ियों को शक्तिशाली, जय रहे और स्वर्ग जैसा, सजीव जैसा जीवन देने।